बारिश का होना बहुत अच्छी बात है और किसानों व बागवानों के लिए तो बारिश वरदान साबित हुई है, लेकिन ऐसी भी एक जगह है जहां के लोगों के लिए यह बारिश का मतलब परेशानी है। यहां हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत जरड भुट्टी कॉलोनी के वार्ड नंबर 4 की सड़क की। इस सड़क को देख कर यह समझना मुश्किल है कि गड्ढों के ऊपर सड़क है या सड़क में गड्ढे। सड़क में गड्ढे तो है ही, पर यहाँ पानी की निकासी के लिए जो नालियाँ बनी है वो भी मात्र शोपीस बनी हुई है। यह सड़क भट्टी कॉलोनी से सरकारी स्कूल मोहल तक है और इन नालियों की पोल बीते दिन 4 दिनों में आई बारिश ने खोली है। बारिश में पानी नाली की बजाय सड़क में इकट्ठा हो गया है और नाली सूखी पड़ी है। वहीं यहां से आने जाने वाले लोगों, दोपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरा नाम श्याम चंद है, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ और जो ये रोड बना हुआ है इसमें सेकेंडरी स्कूल मोहल की तरफ जाता है और यहाँ का इस हाल देखो कैसा है, नालियाँ सूखी पड़ी और रोड में पानी गिरा हुआ है। आम लोगों को जाने के लिए मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है यहाँ पर। और नाली देखो, आप फोटो खींच सकते हैं पत्रकार साहब के बारे में, नंबर निबंध रहे कि इसमें आगे जाके खारिज किया जाए। तो आपकी पंचायत से क्या मांग है? पंचायत से मांगे बीच बीच में या जो फेवर वाले पत्थर लगाए जाए या रोड की मरम्मत की करवाई जाए और नालियों में पानी होना चाहिए और रोडों में पानी नहीं होना चाहिए। कुल्लू से दिनेश गौतम की रिपोर्ट।